कोई शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान आदि गणेश की वंदना की जाती है, क्योंकि अगर किसी भी कार्य में गणेश भगवान का नाम सबसे पहले ना लिया जाए तो वो कार्य शुभ नहीं होता है। इसी प्रकार जब कहीं भी कोई संगीत का कार्यक्रम होता है तो शुरू की देवी माँ शारदे का गुणगान सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि अगर माँ शारदे की कृपा हम सब पर ना हो तो गाना तो बहुत दूर की बात है, हम आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दरबार में मैं कुछ भी शुरुआत करने से पहले चलती हूँ उस माँ को मनाते हुए जिसने सारी सृष्टि को हर चीज़ का ज्ञान दिया है। भैया ज़रा शांति का दान बनाए रखें, बातें करने के लिए तो सारी रात पड़ी है। मैया के चरणों में ध्यान लगाइए, बातों पर से ध्यान हटाइए। एक बार लगाओ जयकारा, बोल सच्चे दरबार की देवी मैया की, मैया के प्यार की। आइए सबसे पहला गुणगान माँ शारदे का और उसके बाद में सभी भक्तजन मेरे साथ मिलकर के महामाई को नाचते झूमते गाते हुए मनाएंगे। हाँ जी पहले की उतरी। हेलो स्वर की देवी हो माँ और स्वर का दान देती हो, है कौन कैसा भक्त ये माँ पहचान लेती। कहा जाता है माँ के दरबार कि इस मैया के दरबार में ना कोई नवाब होता है, देवी के दरबार में ना कोई नवाब होता है, और यही वो दर है जहाँ सबका हिसाब होता है। आइए भक्त माँ से अरदास करने लगे, कहने लगे क्या हो जब याद करूं आना सांसों में हो जब याद करूं आना सांसों में समा जाना हो जब याद करूं आना सांसों में समा जाना हो मुझे सर सर गम का ज्ञान मत देना मेरे कंठ में बस जा
सरकार की आंटी जी जरा बीच।